हेलो जी, आज हम बनाएंगे पाकिस्तान की स्पेशल बन्नू चिकन पुलाव। इसके लिए हमने 500 ग्राम चिकन लिया है। एक हम पैन लेंगे, गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। इसमें पानी डालेंगे ढेर सारा। इसमें ऐड करें खड़े मसाले, थोड़ा डालें शाही जीरा, 4 से 5 काली मिर्च साबुत, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 6 लहसुन की कलियाँ, 2 इलायची, स्लाइस ऑनियन, थोड़ा सा नमक। इसमें चिकन ऐड करेंगे हम। देखिए, अपने अकने को खुले बर्तन में पकाना है 10 से 15 मिनट। पुदीना लेंगे हम, 2 अदरक के टुकड़े, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, इसमें लेंगे हल्का सा पानी। एकदम फाइन बनाएंगे इसको पेस्ट। देखिए, हमारी अकनी हो चुकी है, आइए इसको छान लेते हैं। देखिए, हमने जो अकनी में डाले थे खड़े मसाले, उन सारे मसालों को निकाल लेंगे, क्योंकि अकनी के अंदर जो खड़े मसाले होते हैं उसका फ्लेवर आ चुका है। आइए अपने पुलाव का तड़का मार लेते हैं। एक हम लेंगे लगन, इसमें डालेंगे ऑयल 3 स्पून, इसमें डालेंगे एक बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 इलायची, जावित्री का फूल, 4 लौंग, थोड़ा सा जीरा, इसको चटकाएंगे अच्छे से। इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज, प्याज को एकदम ब्राउन करेंगे। इसमें डालेंगे 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें ऐड करते हैं जो हमने बनाया था पेस्ट, इसको पकने देंगे। 2 पिंच हल्दी, 1/4 बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, चिकन मसाला 1/2 स्पून, स्वाद अनुसार सॉल्ट, 1/2 कप दही मिलाएंगे इसे इसको। देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। आइए इसमें ऐड करते हैं चिकन। चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों में, 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे। पानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके हमने अकनी बनाई थी। आइए इसमें ऐड करते हैं चावल। चावल हमने 500 ग्राम लिए हैं। देखिए, 5-7 मिनट इसको हम ऐसे पकाएंगे ढककर, फिर उसके बाद दम करेंगे। देखिए, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, हमारे बन्नू पुलाव 80% हो चुके हैं। 20 मिनट पकाएंगे उसको दम के अंदर। पुदीने के पत्ते, लेमन स्लाइस, हरी मिर्च, धनिया के पत्ते, ब्राउन प्याज, थोड़ा सा देसी घी। आइए हम इसको दम करते हैं। लगन को तवे के ऊपर रखेंगे, एक ऐसा कपड़ा लेंगे, अगर आपके पास कपड़ा ना हो तो सिल्वर फॉइल भी ला सकते हैं, और वो भी ना हो तो आटे की लोई ला सकते हैं। घर के अंदर कोई भी भारी बर्तन हो उससे आप इसको दम कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे और 5 से 4 मिनट इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए, कितने शानदार, कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। बन्नू पुलाव हमारे बन के रेडी हैं। आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए, बन्नू पुलाव हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो एक बार ट्राई करिए इसे। अगर इस रेसिपी में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी ऐसी रेसिपियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए।